हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास नाइन्थ में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को हम लोग एनसीईआरटी से सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 4 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन बच्चों, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट होगा, पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है, जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहां रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस बच्चों क्लास नाइन्थ का ओपन होकर आएगा। वहां पे हर एक चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं। और खास बात ये इस चैनल के बारे में कि यहां पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एग्जाम्पलर क्या होती है, एनसीईआरटी के साथ साथ सीबीएसई ने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बुक लगा के रखी है जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं, ठीक है ना। तो पिन कमेंट में चेक करिए, एग्जाम्पलर भी मिल जाएगा। बाकी जिन बच्चों को अभी भी चैनल मिला है, प्रॉब्लम हो रही है, लिंक नहीं मिल रहे हैं पिन कमेंट में भी, वैसे तो पिन कमेंट में सब कुछ मिल जाएगा, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो 7503644171। इस नंबर पे बच्चों कांटेक्ट करिए, तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये नए बच्चों के लिए था। आइए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ओके, अब इसका क्या मीनिंग है समझो बच्चों, ध्यान से चेक करिए। यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, किसका डायमीटर उन्होंने बोला है, मून का डायमीटर अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पे हमने अर्थ का डायग्राम बनाया, ये ऐसा। सबको पता है अर्थ बड़ा होता है साइज में मून से, इतना तो पता होगा, हाँ साइंस पढ़ते हो इतना तो पता होगा, अर्थ बड़ा है मून छोटा है साइज में। तो ये अर्थ है, सही है बच्चों। अगर अर्थ का ये देखिए हमने लिख दिया, ये अर्थ है, ओके अर्थ। और अर्थ का जो डायमीटर है, अगर हमने उसको डी से दिखाया है, किससे दिखाया है डी से, ये अर्थ का डायमीटर कितना है डी है, तो मून का डायमीटर क्या हो जाएगा डी बाय 4। नहीं समझ में आया, ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पे मून बनाइए ऐसे ये, ठीक है। और मून का जो डायमीटर होगा यहाँ पर वो डी बाय 4। सर कैसे, सर ऐसे, ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको उसने बोला हुआ है क्या कि डायमीटर ऑफ द मून, ध्यान से चेक करिए बच्चों, डायमीटर ऑफ व्हाट, डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल्स टू व्हाट, इसका मतलब इक्वल टू लगा दो अप्रोक्सीमेटली 1/4। 1/4 का क्या मतलब होता है 1/4, ठीक है। 1/4 का क्या मतलब होता है 1/4। ऑफ का मतलब क्या होता है मैथ्स में, इनटू डायमीटर ऑफ द अर्थ को आपने कितना माना है डी। नहीं समझ में आई बात, चेक कर लो स्टेटमेंट, पढ़ गई तो मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई है, चेक कर लीजिए क्या कह रहा था, डायमीटर ऑफ द मून। मैंने कहा ठीक है भाई, डायमीटर ऑफ द मून मैं निकालूंगा, डायमीटर ऑफ द मून, फिर क्या बोला उसने इस, तो मैंने भी क्या लगा दिया इक्वल टू, फिर क्या बोला इज अप्रोक्सीमेटली का मतलब लगभग, तो इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ो, ठीक है। तो द डायमीटर ऑफ द मून इज, इसको मत पढ़ो आप, द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। चेक करिए, डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ का मतलब क्या, इनटू डायमीटर ऑफ द अर्थ, और डायमीटर ऑफ द अर्थ को आपने किससे दिखाया है डी से। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहां पर आपका जो डायमीटर ऑफ द मून है वो कितना आ जाएगा बताइए, डायमीटर ऑफ द मून, अच्छा बच्चों डी इंटू वन क्या होता है डी अपॉन में 4, तो डी बाय 4 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए मून का जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा डी बाय 4, ठीक है। और वैसे भी बच्चों इतना तो मैथमेटिक्स आप लोग को क्लास 6 7 8 में आना चाहिए, हाँ। जब उसने बोल दिया कि डायमीटर ऑफ द मून जो है वो 1/4 है, किसका, डायमीटर ऑफ द अर्थ का, यानी कि डायमीटर ऑफ द अर्थ जितना भी होता है उसका टोटल कितने पार्ट कर लो 4, बात समझो, ये डायमीटर ऑफ द अर्थ जितना भी होता है उसके टोटल 1 2 3 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट कर लो उसके, 4 पार्ट कर लो, और 4th पार्ट में से ये पूरा डी है ना, हाँ, तो ये भी कितना हो जाएगा डी बाय 4, ये भी कितना हो जाएगा डी बाय 4, और ये भी कितना हो जाएगा डी बाय 4, और ये भी कितना हो जाएगा डी बाय 4, डी बाय 4 प्लस डी बाय 4 प्लस डी बाय 4 करिएगा तो आपको डी ही मिलेगा। अरे ऐड कर लो, ऊपर कितना हो जाएगा 4d, और नीचे क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर डी ही तो आएगा। तो डी को आपने 4 भागों में बांट लिया, डी क्या था डायमीटर ऑफ द अर्थ, अब उसमें से जो 1/4 पार्ट होगा, 1/4 पार्ट मतलब 4 में से 1 पार्ट, 1/4 पार्ट नहीं समझते हो, 4 में से 1 पार्ट, तो चेक करो ये देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, 4 में से 1 पार्ट, यही तो है, कितना है डी बाय 4 ही तो है। नहीं समझ में आई बात, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि डायमीटर ऑफ द मून डी बाय 4 क्यों हुआ, तो जैसे आप समझ सकते हो आप वैसे समझ लो, हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, बच्चों ध्यान दें जरा, ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें, कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून, समझो रहा, कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून, कह रहा अर्थ का कितना फ्रैक्शन ले लें कि वो किसके इक्वल हो जाए मून के वॉल्यूम के इक्वल, बात समझो। देखो मून क्या है बच्चों, एक स्फीयर है, ये तो सबको पता है, मून क्या है एक स्फीयर है ना, स्फेरिकल शेप का है, बॉल जैसा, हाँ लगभग मान लीजिए स्फीयर जैसा है, और अर्थ भी कैसा है स्फीयर जैसा। अब मान लो बच्चों हमारे पास यहाँ पे दो बॉल्स हैं, ठीक है ना,
एक बॉल तो हमारे पास होगी यहाँ पे छोटी, एक बड़ी बॉल बच्चों समझिए जरा, फुटबॉल जैसी, ये ऐसे ठीक, ये रही और ये रही आपकी छोटी बॉल। इसका डायमीटर कितना, d, इसका कितना है d बाय 4, क्यों, क्योंकि ये मून है, छोटा वाला हमने मून कहा, बड़ा वाला क्या है अर्थ है, तो अर्थ का जितना भी डायमीटर उसको 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका डायमीटर ऑफ द मून। ठीक है, ये चीज़ है। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि अर्थ का, अर्थ का जो भी वॉल्यूम है, हमें नहीं पता कितना वॉल्यूम है, अर्थ का जो भी वॉल्यूम है उसका कितना फ्रैक्शन ले लें कि किसका वॉल्यूम आ जाए, मून का। नहीं समझ में भाई, चेक करो ना, ये मून है, ये मून का क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड। तो कह रहा है अर्थ की, अर्थ ने जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई करी उसमें से कितना फ्रैक्शन ले लें, का मतलब कितना पार्ट ले लें, कितना पोर्शन ले लें कि हमको किसका वॉल्यूम मिल जाए, मून का। आप अगर ध्यान से चेक करेंगे तो यहां पर मैं आपको दिखाएं, अगर तो ये देखिए, कोई बोलेगा सर अर्थ का इतना वॉल्यूम ले लीजिए, इतना, इसी को वो पूछ रहा है कि कितना फ्रैक्शन किसका ले लें, अर्थ का, अर्थ के वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम अगर हम ले लें तो वो किसके इक्वल हो जाए, मून के वॉल्यूम के इक्वल। ये क्वेश्चन है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बच्चों ये मैथमेटिक्स चल रही है, ठीक है ना, यहां पर कितना फ्रैक्शन अर्थ के वॉल्यूम का ले लें इस चीज को आपको नंबर से निकाल के दिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं, आप ऐसे डायग्राम बना थोड़ा बोल दोगे सर इतना ले लीजिए बस, हाँ ऐसा तो नहीं है, कितना ले लें। तो जवाब है आप इसको किससे निकाल के दिखाएंगे, नंबर से, क्योंकि आप लोगों ने बच्चों बचपन से पढ़ा है ना नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू से आप हर एक चीज़ को मेजर करते हैं। ठीक है, बट आइए जरा हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन वो ये कहना चाहते हैं, ध्यान से करिएगा बच्चों, क्वेश्चन वो कहना चाहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द मून आपको मिल जाए क्या करने से, यहां पर क्या आएगा, कोई फ्रैक्शन आएगा, किसका फ्रैक्शन, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का। ध्यान चेक करो, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का मतलब इनटू होता है, ऑफ का मतलब इनटू होता है, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का कितना फ्रैक्शन ले लें, वो फ्रैक्शन यहां पे आना चाहिए कि 1/4 ले लें, कि 1/8 ले लें, तो यहां पर क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब एक बार बताओ बच्चों, यहां पे कोई नंबर आता होगा, अरे 1/4 आता होगा, 7/2 आता होगा, हमें फ्रैक्शन नहीं समझते आप लोग, हाँ ये सब क्या है फ्रैक्शन ही, तो 7/2 क्या है फ्रैक्शन, हाँ 9/2 क्या है फ्रैक्शन, हाँ 4/9 क्या है फ्रैक्शन है। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर कौन सा फ्रैक्शन आए। ठीक है, तो आप सोचोगे अच्छा सर इसका मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, ऐसा पी बाय क्यू टाइप का कोई नंबर आना चाहिए, है ना, तो हमने कहा हाँ भाई आना तो चाहिए। तो आप थोड़ी देर के लिए बोल दोगे सर एक काम कर लीजिए, आप एक काम कर लीजिए कि सर यहाँ पे अगर फ्रैक्शन आएगा ना तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अभी ये वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना फ्रैक्शन के साथ, तो इधर आएगा तो वॉल्यूम ऑफ मून के नीचे मल्टीप्लाई लग जाएगा, सही बात है ना, मल्टीप्लाई कह रहे हैं सॉरी डिवाइड लग जाएगा, सॉरी वेरी सॉरी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इस फ्रैक्शन के साथ क्या है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो वॉल्यूम ऑफ द मून के नीचे क्या लग जाएगा डिवाइड, तो कुछ ऐसी स्थिति होगी कि वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब आपको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि हाँ भाई जब वॉल्यूम ऑफ द मून को किससे डिवाइड किया जाए, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ से, तो सामने क्या मिलेगा हमको एक नंबर मिलेगा, हाँ उसी को हम क्या बोलेंगे फ्रैक्शन, समझ गए। तो यानी कि आपको एक हिंट मिल रहा है क्या कि वॉल्यूम ऑफ द मून को डिवाइड लगा दीजिए किससे, मैं करके दिखाऊंगा, वॉल्यूम ऑफ द मून को डिवाइड कर दीजिए किससे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ से, तो सर सामने एक नंबर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे सर, फिर लौट के ये वाले स्टेप में चले जाइएगा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या है डिवाइड में, उधर जाके वापस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आप बोल दो कि वॉल्यूम ऑफ द मून इज इक्वल्स टू, अब यहाँ कोई फ्रैक्शन आया होगा 2/9 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ या 7/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, क्या आएगा वो हमें नहीं पता, तो हम निकाल के दिखाएंगे। यानी कि एक हिंट मिल गया है, ये रफ वर्क में हम लोग क्या कर रहे हैं हिंट ले रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं कि भाई निकालना क्या है। तो एक हिंट मिल रहा है क्या कि वॉल्यूम ऑफ द मून का हमको रेशियो निकालना है किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के साथ। तो बहुत ईजी बच्चों, कुछ नहीं करना है, ध्यान से चेक करिए। आप एक बार बताओ बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द मून जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि मून कैसा है स्फेरिकल शेप का। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ निकालोगे तो कैसे निकालोगे, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के निकालोगे, और कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, लेकिन जब हमने आपको बोला कि भाई व्हाट इज द वॉल्यूम फॉर द स्फेयर, आपने बोला सर 4/3 πr³, भाई स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, आर क्या होता है रेडियस होता है, आर क्या होता है रेडियस। तो जब आप अर्थ का वॉल्यूम निकालोगे तो आपको रेडियस किसका रखना पड़ेगा, अर्थ का। जब आप मून का वॉल्यूम निकालोगे तो आपको रेडियस किसका रखना पड़ेगा, मून का। समझ में आ गई बात, यानी कि आपकी पहली जिम्मेदारी यह है कि आप अर्थ का रेडियस निकाल लें और आप अर्थ का और आप मून का रेडियस निकाल लें। तो सर कैसे निकालें, एक बार बताओ रेडियस कैसे निकाली जाती है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके। कोई डाउट है, अर्थ का डायमीटर कितना था डी, किसने कहा, हमने मान लिया। तो सबसे पहले तो अपनी कॉपी में यही लिख दीजिएगा क्या कि लेट द व्हाट, लेट द
डायमीटर, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ बी व्हाट, स्मॉल डी, माना कि अर्थ का डायमीटर कितना है, स्मॉल डी है, तो डायमीटर ऑफ द मून कितना आ गया, डी बाई फोर। आइए हमने यहाँ पे दिखा भी दिया, अब बताओ बच्चों कि आप रेडियस नहीं निकाल पाएंगे। हाँ चलिए हमको बताइए जरा, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना, ई का मतलब अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या करोगे बताओ, डायमीटर को टू से डिवाइड कर दो, खत्म। ये देखिए रेडियस ऑफ द अर्थ आ गया, किसके टर्म्स में, डी के टर्म्स में, क्या दिक्कत है बताइए। ठीक, अब यहाँ सामने आपसे पूछा कि भाई रेडियस ऑफ द मून बता दीजिए, तो आप क्या बोलोगे, सर डायमीटर ले लो, किसका, मून का, मून का डायमीटर कितना है, डी बाई फोर, उसको टू से डिवाइड कर दो। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, डायमीटर ऑफ द मून है कितना, डी बाई फोर, और डी बाई फोर क्या है, डायमीटर ऑफ द मून को क्या करोगे, टू से डिवाइड। नहीं समझ में आई बात, सिंपल है। अब ये फोर कहाँ आ जाएगा बच्चों, नीचे, और टू में क्या कर देगा, मल्टीप्लाई, तो यहीं पे कर दें, समझ जाओगे, फोर टू जा एट, तो डी बाय एट, सुन लो, फोर नीचे आ जाएगा, फोर टू जा एट, डी बाय एट, तो यहाँ से जो रेडियस ऑफ द आर एम का मतलब रेडियस ऑफ द मून वो कितना आ जाएगा, डी बाय एट। ये आ गया कि नहीं आ गया बताइए, यहाँ से कोई डाउट है बताइए। अब ये पोर्शन सभी बच्चे कॉपी कर लिए हो तो मैं हटा देता हूँ, हटा दो इसको। चलो अब क्या करना है, अब आपको वॉल्यूम ऑफ द मून निकाल लेना है पहले। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ द मून क्या होगा, फॉर्मूला 4 अपॉन 3 पाई आर का क्यूब, आर कितना है मून का, डी बाय एट, तो आर की जगह क्या रखोगे आप, बोलिए डी बाय एट का क्या करोगे, क्यूब करोगे, कोई डाउट है बोलिए, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 4 बाय 3 तो ऐसे ही रहेगा, पाई भी ऐसे ही रहेगा, 4 अपॉन 3 पाई ऐसे ही रहेगा, ये क्यूब डी को भी मिलेगा और 8 को भी मिलेगा। डी का क्यूब कितना होता है बच्चों, डी क्यूब, अरे भाई डी का क्यूब करोगे, डी इंटू डी इंटू डी, डी का क्यूब, और 8 का क्यूब यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, और 64 इंटू 8 आई थिंक कितना आ जाएगा, 64 इंटू 8 बच्चों 512 आएगा शायद, देख लेते हैं, ठीक है ना, 8 8 जा 64, या आप, आपको क्या टेंशन है, आप ऐसे ही लिख दो, क्या दिक्कत है, आप ऐसे ही लिख दो, लीजिए 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, 8 क्यूब को 8 इंटू 8 इंटू 8 भी तो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका क्या बताइए, वॉल्यूम ऑफ द मून, कोई डाउट है, हाँ ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आप निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, चलिए वॉल्यूम ऑफ द अर्थ फॉर्मूला बोलिए बच्चों, 4 अपॉन 3 पाई आर का क्यूब, आर कितना है किसका, अर्थ का, डी अपॉन 2, तो क्या करोगे बताओ, डी अपॉन 2 का क्या करोगे, क्यूब करोगे, इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 पाई डी अपॉन 2 का क्यूब, ये क्यूब डी को भी मिलेगा, डी का क्यूब क्या होता है, डी क्यूब अपॉन 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है, LHS को LHS से डिवाइड करिए, RHS को RHS से, कुछ बच्चे LHS नहीं समझ पाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। अगर हमने आपसे बोला कि भाई वॉल्यूम ऑफ द मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, तो आप मेरे को क्या बोलोगे, सर वॉल्यूम ऑफ द मून यहाँ लिख दीजिए और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यहाँ लिख दीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। तो वॉल्यूम ऑफ द मून मैंने यहाँ लिख दिया, यही तो मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। दूसरा तरीका ये सोचने का है कि वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ द मून, और नीचे क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द मून लिखिए बच्चों कितना था, 4 अपॉन 3 पाई क्या था बोलिए, डी का क्यूब अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8, यही था। और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कितना था, 4 अपॉन 3 पाई डी क्यूब अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, कोई डाउट है बताइए। बहुत ध्यान से चेक करिए बच्चों, 4 अपॉन 3 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, पाई ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये कैसे सॉल्व करें, तो ध्यान से चेक करो, मैं अगले स्टेप में यहाँ पे दिस इंप्लाइज का मतलब इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या आ गया देखो, वॉल्यूम ऑफ द मून, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर रहा हूँ फिर राइट हैंड साइड, वॉल्यूम ऑफ द मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ध्यान से चेक करिए बच्चों, ऊपर क्या बच गया, डी क्यूब अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ऐसे ही कॉपी कर लूंगा मैं, डी क्यूब अपॉन में 8 इंटू 8 इंटू 8, कोई डाउट है हाँ। और नीचे क्या बचा बच्चों, डी क्यूब अपॉन क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। अब ये बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते, तो बहुत ईजी, कैसे होगा हम बता रहे हैं, सुनिए देखिए, ये आपने यहाँ पे लगाया ब्रैकेट और यहाँ लगा दिया, ठीक, इसको आपने यहाँ लगाया और यहाँ लगा दिया, ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ना लगाओ ब्रैकेट आपकी मर्जी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो कुछ ऐसा आ गया, अब क्या है ये बताओ, ये कौन सा फॉर्म आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है क्या, a बाय बी बाय सी बाय डी, a बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी, कैसे पढ़ाया गया ये बताइए, कुछ नहीं करते, ऊपर वाले को तो एज इट इज लिख लो, याद है आपको, देखिए a बाय बी को तो ऐसे ही लिख लो,
और ये जो डिवाइड है इसको ऐसे करके डिवाइड का साइन लगाओगे, ठीक, और फिर इसको कॉपी कर लो, क्या है सी बाय डी। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, ए बाय बी और डिवाइड की जगह क्रॉस लगा के इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, डी बाय सी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, हाँ, तो यही काम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, समझ जाओगे। ध्यान से चेक करिए, देखिए बच्चों यहाँ से आ गया आपके पास क्या, वॉल्यूम ऑफ द मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू, ध्यान दें ये क्या लिखा हुआ है, ए बाय बी, इसको तो ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, है ना, ए बाय बी टाइप का है, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, यानी कि डी क्यूब अपॉन 8 × 8 × 8 ऐसे कॉपी कर लिया। अब ये वाला जो डिवाइड है इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, कोई डाउट है बताइए, हाँ, और फिर क्या कॉपी कर लेंगे, चेक करिए क्या कॉपी कर लेंगे, डी क्यूब अपॉन 2 × 2 × 2, तो यहाँ पे हमने किया डी क्यूब अपॉन 2 × 2 × 2, कोई डाउट है बताइए, हाँ। अब नेक्स्ट स्टेप में वॉल्यूम ऑफ द मून डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू, ध्यान दें ये तो ऐसे ही रहेगा, ए बाय बी, यानी कि डी क्यूब अपॉन 8 × 8 × 8 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो डिवाइड वाला साइन है इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस, और ये क्या होगा, रेसिप्रोकल, यानी कि 2 × 2 × 2 अपॉन में क्या हो जाएगा बताइए, डी का क्यूब, कोई डाउट है बताइए, अब कितना ईजी हो गया चेक कर लीजिए, ये डी क्यूब और डी क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब डायमीटर को आप डी अज्यूम करते, चाहे एक्स अज्यूम कर लो उसको, चाहे वाई अज्यूम कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कट ही जाना है ना बाद में, ठीक है ना। अब ध्यान चेक करो बच्चों, 2 × 2 = 4 × 2 = क्या होता है, 8, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 8 आएगा, तो ये वाला 8 इस 8 को कैंसिल कर देगा, नीचे कितना बच जाएगा, 64, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचा हुआ है। अरे भाई नहीं समझे क्या, 2 × 2 × 2 = 8, 8 × 1 = 8 और 8 × 1 = 8, कोई डाउट है। तो यहाँ से इतना कॉपी करें, लेफ्ट हैंड साइड का कॉपी करें, सभी बच्चे हटा दूंगा मैं, कॉपी करिए, कर लिया, चलो देखो अब यहाँ से देखिए जरा क्या हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू, यहाँ ऊपर 1 बचा, ठीक है ना, अपॉन में क्या बचा, 8 × 8 क्या होता है, 64, 64 × 1 = 64, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया बताइए, 64, वो वाला फ्रैक्शन कितना है, 1/64, ठीक है। अब ये नीचे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बताओ, मैंने क्या बोला था, ये अर्थ उधर चला जाएगा ना फ्रैक्शन के पास, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ द मून इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक है, कोई डाउट है बताइए, हाँ, ओके। तो सभी बच्चे इसका आंसर लिखें, मैं आंसर्स का डिक्टेट कर देता हूँ, आंसर कैसे लिखना है, The volume of the moon is, the volume of the moon, जो जो दिखता जा रहा है आप लिखते भी जा सकते हो, है ना, volume of the moon is 1/64 of the volume of the earth, ठीक है, मैं लिख देता हूं, कैसे लिखेंगे आंसर, volume of the moon is 1/64, ध्यान से करो, volume of the moon equal to का मतलब क्या, is 1/64, क्रॉस का मतलब क्या होता है, ऑफ, वॉल्यूम ऑफ द मून इज 1/64 ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, कोई डाउट है बताइए। यानी कि बच्चों अगर आपको इसको और फील करना हो तो आप इस तरीके से फील कर सकते हैं, अगर अभी भी फील नहीं आया हो, पता है इसका फीलिंग क्या है, इसका फीलिंग ये है कि जो भी अर्थ था, अर्थ का वॉल्यूम बच्चों जितना भी था, यह अर्थ था स्फेरिकल 3D में, इसका वॉल्यूम जितना कुछ भी था, उस वॉल्यूम का आप कितना पोर्शन ले लीजिए, 1/64 पोर्शन ले लीजिए। ये क्या होता है सर, इमेजिन करो अगर पूरे अर्थ को हम टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, 64 पार्ट्स में, तो उस 64 पार्ट जितने भी हुए इक्वल 64 पार्ट में से कितना पार्ट लेना है, 1, बस नहीं, ये अर्थ के वॉल्यूम का अगर हम इक्वल पार्ट्स करें, कितना, 64 पार्ट्स करें, उसमें से अगर हम एक पार्ट लें तो वो जो पार्ट होगा वो वॉल्यूम बता देगा किसका, मून का, कोई डाउट है बताइए, ये इसका मीनिंग है, एंड वाइस वर्सा, इसी का उल्टा भी पूछ सकता था, वो आपको पूछ सकता था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द व्हाट मून इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, तो क्या आता है, इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 64 इधर भेज दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू व्हाट, 64 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द मून, यानी कि मून जितना है वैसे कितने मून लेने आपको, 64 मून, और सबको मिला देना है तो क्या बन जाएगी, अर्थ, कोई डाउट है बताइए।
ये इस क्वेश्चन का फीलिंग है। ओके नोट कर लीजिए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल